तो एग्जांपल है, सपोज़ आपके पास दो मासेज हैं, ये बनाएं, लिखें यहाँ पे दिस इज़ केस नंबर वन। आपके पास दो मासेज हैं, एक M1 है और एक M2 है। तो कोई मुझे ये बताएगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या, सेंटर पे लाई करेगा इस लाइन की, कैसे करेगा? मास तो इक्वल है ही नहीं। हाँ, अगर इक्वल होते तो सेंटर ऑफ मास है, पर इक्वल नहीं है। चलो मैं कहीं भी इमेजिन कर लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। इससे ये पता लग रहा है कि M1 बड़ा है, M2 छोटा है, ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब इमेजिन करो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशनड है, ये X1 है और ये X2 है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लूँ तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा -X1, 0, और इसका कोऑर्डिनेट आएगा X2, 0। नोट कर लें, ऐसा ही होगा, क्योंकि एक ओरिजिन के लेफ्ट है तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है और एक राइट है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। क्लियर है यहाँ तक? नेगेटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट क्लियर है, ठीक है यहाँ तक? और अगर मैं ये X1, X2 मान लूँ, या X1, Y1 मान लूँ, X2, Y2 मान लूँ, X सेंटर ऑफ मास मान लूँ, तो X सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है M1 × -X1, M2 × +X2 डिवाइडेड बाई M1 + M2। X सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा इक्वेशन नंबर वन, ये आंसर आएगा इक्वेशन नंबर वन, राइट? सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है क्योंकि एक टर्म जीरो है इसमें। ठीक है, अब इसमें M1, X1, M2, X2 हो गया, तो एक शॉर्टकट सुन लो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई भी मास है M1 एंड M2, तो सेंटर ऑफ मास से अगर एक की दूरी X1 है, एक की दूरी X2 है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला है M1 X1 इज़ M2 X2। मतलब M × X इज़ अ कॉन्स्टेंट, मतलब जहाँ भारी मास होगा, जो बड़ा मास होगा, सेंटर ऑफ मास उसके करीब होगा, एक्स उसका छोटा होगा, और जो हल्का मास होगा उसका एक्स बड़ा होगा। तो यही प्रूफ है, तो ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है, M1 X1 इज़ M2 X2। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। पॉइंट नंबर टू, अब इसी के आगे कंटिन्यू करें, केस नंबर टू में आप ये एज्यूम करें कि आपका जो मास था वो पहले यहाँ पे था M1, आपका मास यहाँ पे था M2, और लेट अस सपोज ये मास डी डिस्टेंस राइट आ गया, तो ये कितने डिस्टेंस राइट आए सच दैट पहले इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो ऑलरेडी हमको मालूम है। पहले ये डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी मालूम है, तो ये डिस्टेंस कितना था X1, ये कितना है X2। तो अब नया कोऑर्डिनेट इसका क्या बन गया बताओ? नया कोऑर्डिनेट बन गया X1 - D विद नेगेटिव साइन। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? X1 - D विद नेगेटिव साइन -0। नया कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है, ये X1 है, ये D है, तो ये कितना बचा? X1 - D, और सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ पर पड़ा हुआ है? एट ओरिजिन। इसको नहीं टच करना आपने, सेंटर ऑफ मास पहले भी जहाँ पर था अब भी वहीं पर है। तो नया कोऑर्डिनेट क्या बन गया? X1 - D विद नेगेटिव साइन, और यहां से क्या बन गया बोलो ये कोऑर्डिनेट? X2 - D′, 0, X2 - D′, 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नए कोऑर्डिनेट्स आ गए D और D′ की फॉर्म में। अब सेंटर ऑफ मास तो अभी भी रेस्ट पे है, मीन जीरो पे है। लगाओ नया फॉर्मूला, M1 का कोऑर्डिनेट क्या है? -X1 - D। M2 का कोऑर्डिनेट क्या है? X2 - D′ डिवाइडेड बाय M1 + M2। ये लो, आप इन्हें सॉल्व करो तो आपके पास नई इक्वेशन ये बनेगी, M1 × X1 - D
एम टू इंटू एक्स टू माइनस डी डैश, इक्वेशन नंबर टू. चेक कर लो, जीरो से एम वन प्लस एम टू कैंसिल हो गया, आपके पास इक्वेशन नंबर टू बन गई. कोई डाउट इसमें? सही है ना? तो पहले भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर है, अब भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर है. बस आपको ये बताना है कि अगर एक पार्टिकल डी डिस्टेंस पास आ गया सेंटर ऑफ मास से, तो दूसरा डिस्टेंस कितना होगा ताकि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट. ठीक है, क्या इक्वेशन सबको क्लियर है? तो अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू. लिख लिया? तो इक्वेशन नंबर वन क्या थी? एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू, इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर टू क्या है? एम वन एक्स वन माइनस डी इज एम टू एक्स टू माइनस डी डैश. एक काम करो, वन इक्वेशन में से टू इक्वेशन को माइनस कर दो. तो एम वन एक्स वन माइनस एम वन इंटू एक्स वन माइनस डी इज इक्वल टू एम टू इंटू एक्स टू माइनस एम टू इंटू एक्स टू माइनस डी डैश. इसे ओपन करो, एम वन एक्स वन माइनस एम वन एक्स वन प्लस एम वन इंटू डी इज एम टू इंटू एक्स टू माइनस एम टू इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू डी डैश. तो ये टर्म इससे क्या हो गई? कैंसल. तो क्या बचा? एम वन डी इज इक्वल टू एम टू डी डैश. ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया. आज के बाद ये कैलकुलेशन कोई नहीं करेगा क्वेश्चन में, सीधा शॉर्टकट लगेगा. कि अगर कोई सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं करना चाहता और m1 डिस्टेंस m1 पार्टिकल d डिस्टेंस पार्ट आए पास आ जाए, तो m2 d डैश पास आए, तो रिलेशन क्या शॉर्टकट मारना है? m1 into d is equal to m2 into d डैश. सीधा d डैश की वैल्यू आएगी, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा ये. तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ से दो शॉर्टकट आए हैं. पहले m1 m2 x1 x2 दूरी पे थे, तो पहला शॉर्टकट क्या था? m1 into x1 is equal to m2 into x2 तो एप्लीकेबल है ही है. और दूसरा क्या बना? m1 into d, तो x1 पे तो वो था और d डिस्टेंस और पास आ गया, तो m1 into d1 is equal to m2 into d dash. तो सीधा ये शॉर्टकट सीधा अप्लाई किया जाएगा. क्लियर है यहाँ तक?